हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक डिश लेके आई हूँ और ये ठंडी का मौसम में, और ये कभी भी आप बना के रख सकते हो, खा सकते हैं। ये सबके लिए ही काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये बढ़ते बच्चों के लिए भी है, जो जिम में बच्चे जाते हैं वो भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े कोई भी खा सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये कैसे बनाया जाते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मेरे पास कुछ सूर्य सीड है, पम्पकिन सीड है, और ये खरबूजे का सीड है, और थोड़ी सी ग्रेप्स है सूखा हुआ, और थोड़े से आलमंड नट है ये, और ये है तिल। इसको हम सबको थोड़े थोड़े हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हम। तो चलो, ये देखिए गरम हो चुकी है, हम इसको भून लेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, बस हल्का ही भूनेंगे हम। कोई घी कोई तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, हल्के एकदम भूनेंगे ताकि थोड़ा सा ये क्रंची में आ जाए। थोड़ा सा ये तिल है वो भी हम भून लेंगे। एक चम्मच तक हम थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा देखिए इसमें गुड़ है, गुड़ भी हम डाल देंगे, पिघलने देंगे इसको, आस्ते से मेल्ट होने देंगे। और थोड़ा सा ये जिंजर है वो भी हम डाल देंगे, क्योंकि ठंडियों के मौसम में ये अच्छा होता है, इसलिए हम ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे पानी में डाल के कि ये हो चुकी है नहीं हो चुकी। ये देखिए ये हो चुकी है, ये देखिए ये हो चुकी है। अब इसमें देखिए ये पूरी तरीके से हो चुकी है, चिक्की का फॉर्म में आ गया है। अब जो हम ये ड्राई भुना हुआ सारे ड्राई है सीड वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। पहले से मैंने घी लगा दिया है थाली में, अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने फैला लिया है और इसको बहुत गर्म होता है, बहुत केयरफुली इसको फैलाया जाता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ठंडा होने का वेट करते हैं।